समाचार विशाल शर्मा के साथ आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं थाने की बाउंड्री वॉल आधारशिला पट्टिका पर बदले जिला अधिकारी के नाम की। एलाऊ के बाउंड्री वॉल की शुरुआत कर दी गई है, यहां आधारशिला रख दी गई। जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय की जगह उनके नाम को बदल दिया गया। यहां पर जो लगाई गई आधारशिला पट्टिका में, ये तब सामने आया जब पट्टिका का अनावरण किया गया। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एलाऊ थाना परिसर की चार दीवारी के निर्माण के लिए शिलान्यास की शिला पट्टिका बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया। शनिवार को जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय व पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने बाउंड्री वॉल की आधारशिला रखी है और आधारशिला पट्टिका का अनावरण भी किया है। लेकिन यहां चर्चाओं का माहौल उस समय बन गया जब शिला पट्टिका पर गलती से जिला अधिकारी का नाम प्रमोद कुमार उपाध्याय की जगह प्रदीप कुमार उपाध्याय लिखा दिखाई दिया। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और शिला पट्टिका को लगवा भी दिया गया, लेकिन फिर आनन फानन में प्रदीप कुमार की जगह प्रमोद कुमार की चिट लगाकर आधारशिला का अनावरण कराया गया। वहीं एई मोहम्मद समीम ने बताया है कि पट्टिका बनाने वाले से नाम लिखने में गलती हो गई है, नाम सही कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही नाम सही होकर दोबारा पट्टिका लगवा दी जाएगी।